फौजपुर चौरी थाना अंतर्गत बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व एक अपराधकर्मी, दो देशी राइफल, एक कारबाइन, एक देशी कट्टा एवं 8 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। समय करीब 8 बजे रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चौरी थाना अंतर्गत कोलोडिहारी गांव में पुरवासी यादव पिता सिराज यादव उर्फ धीरज सिंह कोलोडिहारी थाना चौरी जिला भोजपुर अपने गौशाला में भारी मात्रा में अवैध अग्नियस्त्र रखा हुआ है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। क्या है पूरा मामला देखिए। प्राधिकारी पीरो राहुल ने सुनते एक सूचना मिली कि चौरी थाना का एक पूर्वकार अपराधी जो वर्तमान में जमानत में मुक्त है, जिसका नाम पुरवासी यादव है, वो कुछ घटना को अंजाम देने के फिराक में है और उसके पास कुछ अवैध अग्नियास्त्र भी है। इस सूचना के बाद इनके नेतृत्व में CI और चौरी थाना और इमालपुर थाना के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और वहाँ पर छापामारी किया गया। तो छापामारी में 2 देसी राइफल, 2 देसी कट्टा और 1 कार्बाइन जैसा हथियार बरामद हुआ और साथ ही साथ कुल 8 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जब इसे पूछताछ किया गया तो ये घटना का अंजाम देने के अपने घरेलू मैटर पे और अन्य जो घटना था उसको भी अंजाम देने के चक्कर में था। साथ ही साथ ये पूर्व का जो है चौरी थाना कांड संख्या 104/19 और 22/19 में ये आरोप पत्रित है और वर्तमान में ये जेल से जमानत पर मुक्त है। अब तक जो है कि जो भागे हुए अपराधकर्मी हैं उनको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले से आपराधिक इतिहास है इसका? जी हाँ, 2 आपराधिक इतिहास है। 104/19 का इनका आपराधिक इतिहास है और 22/19 इनका आपराधिक इतिहास। जिस हथियारों का सर यूज कहीं